राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप नारियल का बुरादा, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है बहुत ही हल्की आँच में, और बहुत ही कम टाइम तक इसे रोस्ट करना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बुरादे को मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है और इसको मैं किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और अब मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ 1 कप दूध और 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1.5 कप चीनी। और चीनी को मेल्ट होने तक छोड़ देते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल का बुरादा, जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। थोड़ा थोड़ा बुरादा इसमें डालते जाना है और चलाते जाना है। इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है, हाई नहीं रखना है, और धीरे धीरे इसको चलाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा बुरादा रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए, और इसको बिल्कुल ठंडा ना होने दें, हल्का गुनगुना रहने पे ही इसके लड्डू बना लें आप, नहीं तो लड्डू बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब मैंने लड्डू बना लिया है, और मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा बचा लिया था, और अब इन लड्डुओं पर मैं बुरादे की कोटिंग कर देती हूँ ताकि देखने में इसका लुक और भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली मिठाई है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और टेस्टी भी लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।